हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मरार सर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा प्रोग्राम 2019 के बारे में। आप यहां पर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए आप यहां पर परीक्षा प्रोग्राम को जानेंगे। साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं, वे जनरली जो सब विषय रखते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, आइए जानते हैं। तो बायोलॉजी की एग्ज़ाम आपको 6 फरवरी 2019 को आयोजित की जाएगी। वहीं फिजिक्स सब्जेक्ट की एग्ज़ाम 8 फरवरी 2019 को आयोजित की जाएगी। उसके पश्चात केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 को आयोजित की जाएगी। और वहीं लैंग्वेज सब्जेक्ट SC, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या हो गया, अगर आप 100 का इंग्लिश रखे हैं तो आपके लिए यही लैंग्वेज सब्जेक्ट हुआ, या 100 का हिंदी रखे हैं तो ये आपके लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट हुआ, यानी 100 का हो गया, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो। ये 13 फरवरी 2019 को आयोजित की जाएगी। उसके पश्चात 14 फरवरी 2019 को देखिए NRB एंड MB, यानी 50 का हिंदी और 50 का इंग्लिश। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 फरवरी 2019 को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, यानी साइंस के मैक्सिमम सब्जेक्ट की एग्ज़ाम प्रथम पाली में ही आयोजित की जाएगी। आइए अब विस्तार से प्रोग्राम को जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी 6 फरवरी 2019 को आयोजित की जा रही है, और RV हिंदी वोकेशनल कोर्स। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में आप देख रहे हैं कि फिलोसफी इंटर आर्ट्स वाले के लिए, वही एंटरप्रेन्योरशिप ICOM वाले के लिए, कॉमर्स वाले छात्र के लिए 7 फरवरी 2019 को लैंग्वेज सब्जेक्ट IA, यानी अगर आपने 100 का हिंदी रखा है तो आपके 100 का हिंदी का एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, या 100 का इंग्लिश रखे हैं तो आपका 100 के इंग्लिश की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। लैंग्वेज सब्जेक्ट में अन्य सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम छात्र इंग्लिश या हिंदी ही रखते हैं। आपका जो सब्जेक्ट हो उस अनुसार आप भाग लीजिएगा। सेकेंड सेटिंग में देखिए कि कंप्यूटर साइंस IA, IC, ICOM, यानी तीनों के लिए है। उसके बाद मल्टी मीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी जिन्होंने रखा है, ये भी तीनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए है। सेकेंड सेटिंग में देखिए हिस्ट्री इंटर आर्ट्स वाले के लिए, और इंग्लिश वोकेशनल कोर्स। उसके बाद 9 फरवरी 2019 को NRB एंड MB IA वाले के लिए। वहीं सेकेंड सिटिंग में अकाउंटेंसी, ये आपको ICOM वाले के लिए हो गया। उसके बाद 11 फरवरी 2019 को केमिस्ट्री IC वाले के लिए एग्जाम आयोजित की जाएगी फर्स्ट सिटिंग में। वहीं सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस IA वाले के लिए। उसके बाद 12 फरवरी को आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर म्यूजिक, एग्रीकल्चर हो गया आपको IC वाले के लिए, वहीं म्यूजिक हो गया IA वाले के लिए, इंटर आर्ट्स वाले के लिए जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम आयोजित की जाएगी। वहीं पर आप सेकेंड सिटिंग में देख रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज ICOM वालों के लिए, और ज्योग्राफी इंटर आर्ट्स वाले के लिए। उसके बाद 13 फरवरी 2019 को आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट IC एंड ICOM, ये इंटर साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए है। सेकेंड सिटिंग में आप देख लीजिए साइकोलॉजी इंटर आर्ट्स वाले के लिए। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को आप देख रहे हैं कि NRB एंड MB, यानी 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश, IC और ICOM दोनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए एग्जाम आयोजित की जाएगी। सेकेंड सिटिंग में सोशोलॉजी इंटर आर्ट्स वाले छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। उसके बाद 15/9/2019 को मैथमेटिक्स IC और IA, यानी साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट के लिए एग्जाम आयोजित की जाएगी। वहीं सेकेंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स इंटर आर्ट्स वाले छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। उसके बाद 16 फरवरी 2019 को होम साइंस इंटर आर्ट्स वाले छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। वहीं इकोनॉमिक्स इंटर कॉमर्स वाले छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि इंटर में किस स्थिति को किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, और एग्ज़ाम कब से कब तक आयोजित की जाएगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार बोर्ड से संबंधित किसी भी न्यूज़ को पाने हेतु और मैथमेटिक्स का सजेशन हेतु मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।